कराची में हलीम बिरयानी के छुपे हुए नगीनों की बात की जाएगी तो पान मंडी के रेहान शुक्रे का नाम जरूर आएगा। अगर आपने यहाँ की मज़ेदार हलीम बिरयानी नहीं खाई तो अभी आपके हलीम बिरयानी के जायके का सफ़र अधूरा है। और इसी जायके की एक झलक लेने के लिए आज मैं आया हूँ पान मंडी की घनी आबादी के बीचों बीच ये कुछ पुराने रेहान शिकरे की हलीम बिरयानी को। की रौनक दिल मोह लेने वाली है। ये पुराना कराची है, यहाँ जायकों का एक समंदर है और आज इस समंदर से जो मछली पकड़ी है उसका नाम है रेहान शिकरे हलीम बिरयानी। डीजे साहब, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। यहाँ मौजूद रेहान संजीदगी के साथ अपने काम में मसरूफ एक के बाद एक हलीम बिरयानी की प्लेट बनाते और ग्राहकों के हाथ में थमाते जा रहे हैं। इनके साथ मौजूद इनके शोक चंचल साथी काम में इनका हाथ बटाते और अपनी आवाजों से शोर लगाकर ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते। चीते 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 देखने में खुश शक्ल बिरयानी जिसका बारीक चावल अपनी निफासत की कहानी खुद बयान कर रहा था, साथ ही मौजूद हलीम बिरयानी भी खूब मेरा दिल ललचा रही। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगवा ली और जब इसे दोस्तों के साथ नोश किया तो वाकई मजा आ गया। ये जायके में इंतहाई मजेदार और खुश सलीका थी। भाई वाह, मजा आ गया, ये लजीज थी। मैं दोबारा आऊंगा।